الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. प्यारे बच्चों, आज हम refining of metals और common methods of refining of metals इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. First of all, I will tell you what is meant by refining. Dear students, refining is a process of purifying the crude metal to get a pure metal. That means when a crude metal is purified, when crude metal means impure metal, when impure metal is purified to get a pure metal, this process is called refining. That means we can say the process of purifying crude metal to get a pure metal is called refining. It is the meaning of refining. The method of refining depends upon the nature of the metal and the impurities present in it. The methods of refining depends upon the nature of the metal and the impurities present in it. यानि जो तरीका हम इस impure metal से pure metal हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उस कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, उसका दारमोदार दो चीजों पर है. एक, नेचर ऑफ मेटल, यानी ये मेटल जो है इसका नेचर क्या है, एंड द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट, और इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटी मौजूद हो. ये दो चीजें जो है, इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम उस तरीके का तायुन करते हैं जो हम इस मिक्सचर से यानी प्योर मेटल हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. नाउ, कौन कौन से तरीके हैं जो हम इस प्योर मेटल को इस इम्प्योर मेटल से हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. यानी आम तौर पर जो हम मेथड्स इस्तेमाल करते हैं प्योर मेटल हासिल करने के लिए, तो वो है नंबर एक, उसको बोलते हैं उस तरीके को हम लिक्विफेक्शन. और नंबर दूसरा तरीका जो है उसका हम बोलते हैं डिस्टिलेशन. और तीसरा मेथड जो है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड. और चौथा तरीका जो है उसको हम बोलते हैं, या उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. सो इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल हासिल करने के लिए हम आम तौर पर चार तरीके इस्तेमाल करते हैं. एक का नाम है लिक्विफेक्शन, दूसरा है डिस्टिलेशन, तीसरा है ऑक्सीडेशन मेथड, और चौथा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड. अब हम इन चार तरीकों के बारे में एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा एक एक करके. पहले हम ले लेंगे लिक्विफेक्शन मेथड. लिक्विफेक्शन, व्हाट इज लिक्विफेक्शन? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मेटल्स टू बी रिफाइंड इज इजीली फ्यूजिबल बट द इम्प्योरिटीज डू नॉट फ्यूज इजीली. यानी ये लिक्विफेक्शन का तरीका जो है,
इसकी बुनियाद इस प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल माने को उसूल, प्रिंसिपल के माने है उसूल, यानी इसकी बुनियाद इस उसूल पर है कि हम देखते हैं कि जो मेटल हमें इस निकालना है कि वो आसानी से जो है मतलब मेल्ट होना चाहिए, मेल्ट यानी जो मेटल निकालना है वो आसानी से मेल्ट होना चाहिए और जो इसमें जो इम्प्यूरिटीज हैं वो आसानी से मेल्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस बुनियाद पर ये दो चीजें हम देखते हैं जब हम ये लिक्विफिकेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। मतलब है कि जब जो मेटल हमें निकालनी है अगर वो आसानी से इफ दैट मेटल इज इजीली फ्यूजिबल एंड द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन इट आर नॉट इजीली फ्यूजिबल देन वी यूज दिस लिक्विफिकेशन मेथड। हाँ बेटे, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि प्रोसीजर क्या है, इसका तरीका क्या है, यानी इस इम्प्यूरिटीज से, इस क्रूड मेटल से प्योर मेटल हासिल करने के लिए जब हम ये लिक्विफिकेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बोला कि इसमें पहले दो चीजें हमें देखनी है कि जो मेटल निकालना है दैट शुड बी इजीली फ्यूजिबल एंड the impurities which are present in that crude metal or impure metal, those impurities should not be easily fusible. Iske baad hum karte kya hai wo hum dekhenge. In this method the pure metal is placed on the sloping hood of the furnace and is gently heated in an inert atmosphere of carbon monoxide. Yani hum ek chula banate hain जो मतलब स्लोपिंग जो स्लोपिंग हालत में होता है यानी ढलवान चक्र में एक चूल्हा बनाया जाता है, उस पर मेटल को रखते हैं और उसको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी होती है उस एटमॉस्फेयर में उसको हम हीट देते हैं, यानी ये वो चूल्हा जो होता है उसको हम बोलते हैं हर्द, यानी उस हर्द के नीचे हम उसको क्या करते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम हीट करते हैं तो फिर क्या होता है, द मेटल मेल्ट्स एंड फ्लोज डाउन टू द बॉटम ऑफ द स्लोपिंग हर्द। यानी ये मेटल जो होता है जब हम इसको हीट देते हैं, मैंने आपको पहले ये बताया जो उसमें हमें मेटल निकालना होता है वो आसानी से फ्यूजेबल होता है यानी वो आसानी से पिघल जाता है, जब हीट देते हैं तो वो आसानी से पिघलता है, वो मेटल जो हमें निकालना है वो पिघलता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उस हर्द के नीचे की तरफ बह जाता है, जबकि वो इम्प्यूरिटीज जो है वो क्योंकि वो फ्यूज नहीं होते हैं, वो मेल्ट नहीं होते, वो उस चूल्हे पर ही पीछे रह जाते हैं। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक टिन, लेड एंड बिस्मथ। लिहाजा हम ये तरीका जो है इस तरीके से हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी इस तरीके से यानी हम उन धातुओं को उन मेटलों को साफ करते हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत नीचा होता है, वो बहुत कम होता है, यानी वो बहुत कम दर्जे हरारत पर पिघल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से वो मेटल है जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो हम इस लिक्विफिकेशन के तरीके से निकालते हैं, उनमें होता एक है टिन, दूसरा है लेड और तीसरा बिस्मथ वगैरह वगैरह। हो गया ये नंबर एक। इसके बाद नंबर दो, डिस्टिलेशन मेथड। इस डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल्स, वोलेटाइल मेटल्स सच एज मर्करी एंड जिंक। Hg is symbol of, मैंने यहाँ Hg लिखा है, it is symbol of mercury and Zn is symbol of zinc metal. So ये तरीका हम उन धातुओं को साफ करने के लिए निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो धातें आसानी से
बुखार आत्माएं तब्दील होती हैं, मिसाल के तौर पर मरकरी और जिंक। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा तरीका, प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है। हम क्या करते हैं, ये इम्प्योर मेटल जो होता है यानी क्रूड ऑयल जो होता है, इसको हम एक बर्तन में, एक वेसल में डालते हैं और इसको हम जबरदस्त हीट देते हैं। यानी जब ये इम्प्योर मेटल जो है, क्रूड मेटल जो होता है, तो उसको किस में, वेसल में हम डालकर फिर उस वेसल को हम जबरदस्त हीट देते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। द इम्प्योर मेटल जो होता है क्या होता है, वो बुखारात में तब्दील हो जाता है। इसमें जो वो इम्प्योर मेटल जो होता है, क्योंकि वो आसानी से वेपराइज हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो बुखारात में बदल जाता है। एंड इट इज प्योर एंड इट इज वेपर्स आर कंडेंसेड सेपरेटली एंड टू रिसीव द जो इसमें से जो मेटल होता है, वो मेटल जो हमें निकालना है, वो वेपराइज हो जाता है, क्योंकि उसका जो वो होता है वो चूंकि इजीली वो वेपराइज हो जाता है, इसलिए वो मेटल जो है, जब वो वेपराइज हो जाता है तो फिर उसको कंडेंस किया जाता है, यानी उसका फिर दर्जा हरारत ऊपर से कम किया जाता है, वो दोबारा लिक्विड मेटल में तब्दील होता है और उसको हम हासिल करते हैं। द नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल। वो जो प्योर मेटल होता है वो वेपराइज हो जाता है, फिर हम कंडेंसेशन के जरिए से उसको हासिल करते हैं, जबकि जो इसमें वो इम्प्योरिटीज होती हैं वो उस बर्तन में पीछे रह जाती हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका। इसके बाद है ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड इसमें क्या होता है, पहले हम क्या देखते हैं, जो इम्प्योर जो मेटल होता है उसमें हम देखते हैं, this method is used for refining of metals in which in the cases in which the impurities have greater tendency to get oxidized that metals itself. yani isme jo wo impurities hoti hain wo unme ye khasiyat hoti hai ki wo aasani se oxidize ho jate hain ya wo khud ba khud metal ke sath reaction karte hain. tarika hai iska ye, when oxygen is passed through the impure molten this metal, yani jab hum oxygen ko is molten metal mein se metal mein pass karte hain, jab isme hum oxygen lagate hain, the impurities get oxidized. jo impurity jo hai wo is oxygen ke sath, is oxygen se oxidize ho jate hain, wo iske sath reaction karte hain and are removed. to is tarah wo phir हम इनको हम निकालते हैं, दूर करते हैं, द प्योर मेटल इज लेफ्ट बिहाइंड, जबकि वो प्योर मेटल जो है वो पीछे रह जाता है। हो गया ये मेथड, इस तरह से हम ये इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट वाला मेथड जो है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी इस मेथड की बुनियाद जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेनन पर है, अमल पर है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज कास्ट इनटू थिक रॉड्स एंड आर मेड एज एनोड्स व्हाइल द थिन शीट्स ऑफ द मेटल आर मेड एज कैथोड। इसमें दो रॉड, आप यहाँ देखिए, इट इज इलेक्ट्रोलिटिक टैन। इसमें हम दो रॉड्स डालते हैं, एक जो होता है वो थिक, मतलब वो थिक रॉड होता है जिसको हम बोलते हैं एनोड, और दूसरा जो है वो थिन शीट, मेटल का एक थिन पतला सा शीट होता है, इसको हम बोलते हैं कैथोड। कैथोड ये हम इसमें डालते हैं, इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हम डालते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम साल्ट ऑफ द मेटल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। फिर हम इसमें किसी साल्ट का जो हम उसको पानी में डालते हैं, उसको हम हल करते हैं और उसका जो सॉल्यूशन बनता है वो हम इस टैंक में डालते हैं। जब हम इसमें टैंक में डालते हैं तो वो सॉल्यूशन जो है, वो साल्ट का सॉल्यूशन, तो उसको हम बोलते हैं
इट इज इलेक्ट्रोलाइट, यानी हम इसको इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालते हैं। ऑन पासिंग करंट करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ये एनोड जो है इसमें जो इम्प्योर मेटल होता है वो इस इलेक्ट्रोलाइट में जब हम इसमें से बिजली पास करते हैं, बिजली पास करने से जो इस एनोड में इम्प्योर मेटल में जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इस इलेक्ट्रोलाइट में गल जाती है, वो इसमें डिजॉल्व हो जाती है एंड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, और वो जब इससे निकलती हैं वो इस कैथोड पर वो जम जाती हैं, इस पर जमा हो जाते हैं। वेल एज इम्प्योरिटीज गो टू द सॉल्यूशन, हाँ इसमें जो मेटल है वो मेटल इस पर इलेक्ट्रोलाइट दिस कैथोड पर वो जम जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं, जबकि जो इसमें इम्प्योरिटीज हैं वो इस सॉल्यूशन में गल जाती हैं, तो वो इसमें सेटल हो जाती हैं एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड, और वो इम्प्योरिटीज जो है वो इस एनोड के नीचे में, जो यहाँ मैंने ये लगाया है यहाँ वो नीचे हो जाते हैं और इसकी इस बॉटम पर वो बैठ जाते हैं। एंड इज नोन एज एनोड मड, फिर जो ये इम्प्योरिटीज यहाँ जमा हो जाती हैं इसके बॉटम पर, इनको हम इम्प्योरिटीज मड कहते हैं। इस तरह से जो प्योर मेटल है वो यहाँ कैथोड पर जमा हो जाता है, जबकि जो गंदगियां हैं जो इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो इस सॉल्यूशन में जाकर मिलती हैं, गल जाती हैं और इसके इस बॉटम पर वो जमा हो जाती हैं, वो एनोड मड। इस तरह हम जो प्योर मेटल जो होता है वो अलग हो जाता है। एंड डियर स्टूडेंट्स दीज आर द मोस्ट कॉमन मेथड्स विच आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट या विच आर यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द क्रूड मेटल। होप दैट यू शुड हैव अंडरस्टैंड दिस फुली। थैंक यू।